नमस्कार दोस्तों, चमत्कार प्रदर्शन प्रस्तुत डू इट योरसेल्फ में आपका स्वागत है। आज हम लोग कबोर्ड ड्रॉवर्स रिपेयर करने वाले हैं। छोटा ड्रॉवर हो, बड़ा ड्रॉवर हो, कपड़े रखने का ड्रॉवर हो या फिर हमारे बुक्स रखने का ड्रॉवर, तो उसका कबोर्ड का जो ड्रॉवर होता है वो ख़राब होता रहता है जनरली। तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं हमारा जो राइट वाला कबोर्ड है उसका डोर सही तरह से बंद नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि उसका ड्रॉवर सही तरह से बंद नहीं हुआ है। चलो देखते हैं। तो ये ड्रॉवर हम लोग देख रहे हैं कि बंद नहीं हो पा रहा है, राइट? ऐसा क्यों हो रहा होगा? तो ड्रॉवर हम लोग जो खोलते हैं तो हम लोग यहाँ पे राइट साइड पे चैनल देख पा रहे हैं। अंदर रोलर ब्लेड होता है जिसके ऊपर वो चैनल घूम रही होती है। तो ये एक ब्लेड हमारी लेफ्ट साइड से निकल गई है, रोलर व्हील। इसे हम लोग एक बार पूरी तरह से बाहर निकाल लेते हैं। निकाल रहे हैं हम। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो चैनल होता है यहाँ पे, उसके एंड पे एक हमारा व्हील होता है जो सामने वाले चैनल के ऊपर चलता है और यहाँ पे चलेगा अंदर वाला व्हील। तो ये व्हील दोस्तों यहाँ से निकल गया है और इस साइड भी अगर हम लोग देखेंगे तो ये व्हील थोड़ा एंगल पे आ गया, ये निकलने की ही तादाद में है। तो ये होती है वॉल वाली चैनल लिंक और ये होती है ड्रॉवर वाली चैनल लिंक। तो अगर हम लोग वापस लगाना चाहेंगे तो ये व्हील हमें उसके ऊपर से डालना है और अंदर हमारा कबोर्ड चला जाता है। तो हमें ये चैनल्स नई लानी पड़ेंगी रिप्लेस करने के लिए। तो चलो हम इन्हें निकाल लेते हैं ताकि हम लोग सेम साइज का चैनल लेके आ सके मार्केट से। तो दोस्तों ये हम खुद क्यों कर रहे हैं, ये हम डू इट योरसेल्फ में क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि कारपेंटर का डेली लेबर कॉस्ट ही होता है अराउंड एटलीस्ट 700। मैं तो ये वडोदरा की बात कर रहा हूँ, बाहर तो और भी ज़्यादा हो सकता है। तो उससे अच्छा अगर हम लोग खुद करें तो वी कैन लर्न, मतलब मुझे तो सिखाया जा रहा है कैसे करना है और हम लोग पैसे भी सेव कर सकते हैं। तो ये दो बोल्ट हम लोगों ने निकाल लिए, ये अंदर का भी है। वापस हम लोग एक बड़ा स्क्रू ड्राइवर यूज़ कर रहे हैं, माइनस प्लस वाला। यहाँ पे माइनस है तो हम लोग माइनस यूज़ कर रहे हैं। चैनल बहुत सिंपल सा होता है, आप देख पा रहे हैं। इसकी साइज़ और ये रोलर की साइज़ इंपॉर्टेंट होती है जो हम लोग मार्केट में दिखाएंगे। अभी तो हम लोग सैंपल लेके ही जाएंगे, इस बार हम लोग आपको मार्केट एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा दिखाने वाले हैं। तो ये हमारा कबोर्ड की साइड का जो चैनल होता है वो निकल चुका है। बकेट वाली बात, कोई भी एक आप वेसल रख लीजिए जिसके अंदर आप हमारे स्क्रूज रख सकें ताकि वो खो ना जाए। चलो चैनल बाहर निकाल लेते फटाफट। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सामने की साइड पे ये चैनल हुआ करता है और हम लोग ऐसे ऊपर से उसके ड्रॉवर डालते हैं उसके अंदर। और ऐसे हमारा ड्रॉवर लॉक हो जाता है। अगर मुझे ड्रॉवर वापस निकालना है तो ऐसे और ऐसे। सो दिस इज़ द मैकेनिज्म। मतलब हम लोग देखिए अगर ध्यान से तो यहाँ पे जो दीवार के व्हील का, दीवार के चैनल का जो व्हील है वो ऊपर यहाँ पे घिसता है और हमारा जो ड्रॉवर का व्हील है वो इस चैनल के ऊपर रोटेट होता है। अब हम लोग जो ड्रॉवर का चैनल है वो निकाल रहे हैं। ड्रॉवर के चैनल में ऊपर रोलर व्हील के लिए जगह होती है और हमारा जो वॉल का चैनल होता है उसके अंदर नीचे व्हील घूमता है उसका। तो हम जब लेने जाएंगे चैनल तो हमें ध्यान ये रखना है कि ये जो होल्स है वो सही डिस्टेंस पे हो ताकि हमें और वापस नए होल्स ना मारने पड़े हमारे कबोर्ड में। तो ऐसे ही हम लोग पैर लेने जाने वाले हैं दोस्तों ड्रॉवर चैनल पर। और ये अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज डेस्टिनी नंबर
वन ऑफ द बेस्ट मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट यू कैन सीक टू, अगर आपको ग्रोथ चाहिए, अगर आपको कोई भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, अगर आपको खुद का फ्यूचर थोड़ा सा जानना है अंक ज्योतिष से, तो ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। चलो मार्केट जाते हैं। और दोस्तों मार्केट से हमें ये हैंडल भी लेना है। यहाँ पे एक हैंडल था जो ऐसे करके खुलता था और जिसे खींच के हम लोग हैंडल को बाहर निकाल, हमारे ड्रॉवर को बाहर निकालते थे, तो वो टूट गया है। क्यों? क्योंकि उसे पूरा खींचना है तो इतना सारा लोड उसके ऊपर आता है तो वो टूट गया है। तो अभी हमें एक हैंडल लाना है जिसके अंदर इतने ही डिफरेंस पे दो स्क्रू लगे हुए हो और जिसकी स्ट्रेंथ पिछले वाले से थोड़ी ज़्यादा हो। थोड़ा सा कैमरा फिक्स नहीं था बट इस बार हम लोगों ने नॉइस कम करने की पूरी कोशिश की है। तो दोस्तों ये हैंडल हम लोग लेके आएंगे मार्केट में से, चलो देखते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा नवा बाजार के पास वाला सुरसागर। सुरसागर पहले ऐसा था नहीं, यहाँ पे गणपति विसर्जन भी बहुत सारे होते थे। अभी क्लीन कर रहे हैं, उसके अंदर बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर रहे हैं। अहमदाबाद के काकरिया जैसा थोड़ा बहुत करने की कोशिश चल रही है। ये था, है और रहेगा सुरसागर। तो आगे हम देख रहे हैं, ये है हमारा न्यायालय। इस न्यायालय को म्यूज़ियम बनाने की कोशिश चल रही है। न्यायालय हमारे दूसरी सिटी, दूसरे एरिया में शिफ्ट कर दिया गया है और इसे म्यूज़ियम बनाने वाले हैं, राइट। और आगे है हमारा मंगल बाज़ार। दोस्तों हम मार्केट से आ चुके हैं, हम लेके आए हैं ड्रॉवर स्लाइड्स और ये हैंडल। तो हमारी ड्रॉवर स्लाइड्स है बॉटम माउंटिंग ड्रॉवर स्लाइड्स, राइट, दो पेयर्स पूरे ड्रॉवर के लिए। उसकी साइज है 40 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हम लोग उसे निकालें तो हम देखेंगे कि बॉटम माउंटिंग का मतलब है कि वो यहाँ पे इस सरफेस से नीचे लगने वाली है ड्रॉवर, जबकि हमारी पुरानी जो थी वो तो साइड माउंटिंग थी, थोड़ी सी ऊपर लगी हुई है। तो सेम होल्स तो हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे, हमें नए होल्स लगाने पड़ेंगे नीचे के साइड भी और इस फेस पे भी। और ये दूसरा जो कपबोर्ड की वॉल पे लगेगा वो तो बहुत ही सिमिलर है, लेकिन क्योंकि बॉटम माउंटेड है तो हमें उसे थोड़ा सा नीचे लगाना पड़ेगा। मतलब ये जो पुराना वाला था उससे हमें नीचे वाली हाइट पे इसे लगाना पड़ेगा। बाकी सारे डायमेंशंस इसके सेम हैं, तो बस यही होल हमें थोड़े नीचे कर लेने हैं। तो प्रॉब्लम यही है कि ये हमारे बॉटम ड्रॉवर स्लाइड्स हैं, बॉटम माउंटेड, और आजकल साइड माउंटेड ड्रॉवर स्लाइड्स आनी बंद हो गई है। और ये हमारी जो स्लाइड या फिर रोलर्स है वो 20 साल बाद ख़राब हुए हैं। मतलब आप समझ रहे हो कि ये चीज़ें जनरली ख़राब होती नहीं है और अभी अगर अपडेट आया है तो ये साइड माउंटेड क्यों निकल गई है। तो हम लोग हैंडल पहले लगाएंगे। तो एक सिंपल हैंडल है, उसके अंदर दो हमें होल्स दिख रहे हैं, उसके लिए हमें उसके अंदर स्क्रूज भी दिए गए ये। तो हमारा यहाँ पे जो पुराना हैंडल था वो हमने निकाल लिया था, उसके जगह पे हम इसे लगाएंगे। तो उसके लिए हम पहले मार्किंग कर लेंगे। एक होल तो हम उसी होल को बड़ा करेंगे जो पुराना था, थोड़ा सेंटर से ऑफसेट होगा बट उतना ध्यान नहीं जाता है, और दूसरा होल हम लोग मार्क कर रहे हैं। मार्किंग सिस्टम हमेशा सही होनी चाहिए हमारी। अब एक बार हम लोग छोटा सा होल कर लेंगे, यूजिंग मतलब हम पंच भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, बट अभी हम लोग एक पुराना स्क्रू यूज़ कर रहे हैं जो यहाँ से निकाला था विद द हैमर, जिससे होल थोड़ा सा पंच हो जाए, इनिशियल उसे मिल जाए। तो अब हम लोग इन स्क्रूज के लिए 9x6 का ड्रिल बिट यूज़ करेंगे। उस ड्रिल बिट को हम लोग पहले हमारी ड्रिल में लगाएंगे। उसके लिए हमारी की से हम टाइट करेंगे। वुड वाली ड्रिल बिट यूज़ कर रहे हैं हम अभी।
ड्रिल यूज करते वक्त हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा टेक्निकल सुपरविजन एटलीस्ट होना ही चाहिए, बाकी सारी नहीं होती है। 90 देखेंगे एक साथ ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, और आप देख पा रहे होंगे कि सरफेस पे हम लोग 90 डिग्री पे होल्ड कर रहे हैं, पीछे से हम लोग थ्रू होल आते हुए देखेंगे। हमारा जो स्क्रू है वो पीछे से जाने वाला है, अब हम लोग स्क्रू डाल के देख रहे हैं कि सही से जा रहा है कि नहीं, नहीं जा रहा है तो हम लोग और थोड़ा सा उसे कैम्पर करेंगे, इसे कैम्पर करना कहते हैं, या फिर आई वुड रादर से बोर करना, मतलब जो ड्रिल बिट है उससे थोड़ा सा बड़ा होल करने की कोशिश होती है। तो हम लोग देख रहे हैं अच्छे से हमारे होल्स अलाइन हो चुके हैं, अब बस हमें पीछे से स्क्रू डालने हैं। आगे तो सीधा हमारा हैंडल आ जाएगा, YouTube के वीडियो बनाते वक्त मेहनत होती है, साउंड डिस्ट्रैक्शंस बंद करो, फैन मत लगाओ, तो दोस्तों दिल से हम लोग वीडियोस बनाते हैं ताकि आप खुद से चीज़ें रिपेयर कर सके, आपको किसी को बुलाना ना पड़े, मेनली इन दीज कोविड टाइम्स। ऐसा बड़ा स्क्रू हमारे पास होना चाहिए, हमने आपको बहुत बार कहा है, इसे हम लोग पुश करके थोड़ा अच्छे से टाइट कर सकें। ये अभी प्लस ओरिएंटेशन में लगाया हुआ है, बट इसे हम लोग निकाल के माइनस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, ताकि हमारा नया वीडियो आए तो आपसे आपके पास पहले पहुँच जाए, और कमेंट्स में आपके डाउट ज़रूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी हम रिप्लाई दे पाए आपको। फाइनल टाइट हो रहा है, और हम लोग देख रहे हैं कि हमारा क्लैंप हैंडल लग चुका है दोस्तों। टिचू टिचू तो ये जो हमारा बॉटम माउंटिंग स्लाइडर है वो अगर हमें लगाना है तो हमें होल लेने पड़ेंगे, ऐसा कुछ लगने वाला है वो, तो उसके लिए पहले हम पुराना साइड स्लाइडर निकाल देंगे, साइड माउंटिंग स्लाइडर निकाल देंगे, वापस बड़े स्क्रूड्राइवर से 3 स्क्रूज हम लोग निकाल लेंगे। मार्किंग कर लेंगे हम, स्लाइडर के साथ ही हमें ये स्क्रू मिले हैं, तो इनकी साइज के हिसाब से हमने नई दूसरी ड्रिल बिट चूज की है। तो आप ये कहेंगे कि इतना छोटा स्क्रू है तो भी ड्रिल मारने की क्या ज़रूरत है, लोग तो डायरेक्ट ही लगा देते हैं, तो अगर हम लोग डायरेक्ट लगा देंगे तो जिसके अंदर स्क्रू जाने वाला है वो वुड मटीरियल कहाँ जाएगा, ड्रिल उस वुड मटीरियल को बाहर निकाल देती है, ताकि अगर हम लोग स्क्रू से उसे फोर्स करेंगे तो लकड़ा फट जाएगा। भाई थी बोला
ऊपर दोनों साइड हम लोगों ने स्लाइडर्स में साइड से स्क्रू लगा दिए हैं, अच्छे से हमारे स्लाइडर्स माउंट हो गए हैं। अब हमें पीछे से स्क्रूज लगाने हैं, तो हम लोग इनिशियल होल कर रहे हैं। उस साइड के हो गए हैं, अब हम लोग इस साइड भी करेंगे। तो ये हमारे जो पुराने स्लाइडर जो हम लोगों ने निकाले हैं, तो चलो उन्हें कहीं पे यूज करते हैं। तो हमारा जो बाजू में जो कपबोर्ड है उसके अंदर हम लोगों ने हैंडल लगा दिया है नया, उसके अंदर भी दिक्कत है। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि उसका रोलर व्हील नहीं है, तो उसके जगह पे भी हम इसे लगा देंगे जो हम लोगों ने इस ड्रावर से निकाला था। तो दोस्तों मुझे ये नया ड्रावर स्लाइडिंग पेयर नहीं लेनी पड़ी। हम लोग जो इसमें से हम लोगों ने जो निकाला है वही हम लोग इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हर जगह पे रीयूज का स्कोप होता है दोस्तों, मतलब हमेशा रिप्लेस करने का नहीं सोचना चाहिए, बहुत बार रीयूज भी हो सकता है। अब हम लोग ये पुराना निकाल रहे हैं और उसके जगह हम लोग नया लगाएंगे, मतलब रीयूज्ड बड़े ड्रावर का स्लाइडर। तो रीयूज्ड स्लाइडर हम लोगों ने लगा दिया है, चलो ड्रावर उसके जगह पे लगाते हैं। ये स्मूथ ऑपरेशन हो रहा है, अभी हम लोग वापस बड़े ड्रावर पर आ जाते हैं। बड़े ड्रावर हमारा जो पुराना स्लाइडर था वो ऊपर लगा हुआ था, वो अभी अगर हम लोग नीचे ऐसे रखते हैं तो फिर उस वो थोड़े हाइट पे रहता है, और अगर हम लोग ड्रावर लगाने जाते हैं तो ड्रावर ऊपर टच हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा एक कर्व है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा हाइट पे रहता है, तो अगर भी हम लोग ड्रावर लगाने जाए तो ड्रावर ऊपर टच होता है। इसीलिए हम लोगों ने नीचे एक ग्रूव जैसा किया है, स्लॉट जैसा, जिसके अंदर हमारा एंड जो है स्लाइडर का वो फिक्स हो जाए और हाइट थोड़ी सी रिड्यूस हो जाए। अब हमारा ड्रावर ऊपर टच नहीं होगा। ये गैप ज़्यादा थी अभी, अब वो गैप कम हो जाती है और ड्रावर की हाइट भी कम हो जाती है। तो अब हम लोग मार्किंग, इधर भी हम लोगों ने ग्रूव कर लिया, अब हम लोग एक बार ड्रावर लगा के देखते हैं।
अभी इन्हें फिक्स नहीं किया है बट अलाइन करके रखा है, और ड्रावर लगा के देखते हैं क्या ड्रावर ऊपर टच हो रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं इजीली ड्रावर पूरा लग रहा है और बाहर आ रहा है, बस अब हमें कबोर्ड वाले स्लाइडर्स को फिक्स कर देना। मार्किंग हम लोगों ने कर लिया था, अब हम लोग पर थोड़ा सा एक एक ड्रिल भी मार दिया था छोटी ड्रिल बिट से, फटाफट हम लोग स्क्रू लगा देंगे। ये स्क्रू ऑलमोस्ट लग गया है और पीछे भी थोड़े स्क्रू हम लोग लगाने वाले हैं। फाइनल लेफ्ट साइड स्लाइडर भी लग जाएगा, यहाँ पे भी वैसा ही ग्रूव है। तो ये हमारे कबोर्ड के स्लाइड्स लग चुके हैं, अब हम लोग फाइनली ड्रावर लगा के देख लेंगे क्या काम परफेक्ट हो गया है। तो अच्छे से ड्रावर लग चुका है, स्मूथ ऑपरेशन हो रहा है। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलिए, कमेंट्स में अपने डाउट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, डू इट योरसेल्फ। बाय।